हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। गाइस, आज मैं भी आप लोगों को बहुत खुश नज़र आ रही हूँ कि क्यों? क्योंकि आज मेरा बहुत अच्छा मूड है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, चलें जी आज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 1 2 3 बूम। और ये मैंने कर ली अपनी टी शर्ट चेंज। आई जस्ट वेयर अ ब्लैक जीन्स विद द ग्रे शर्ट जिसके ऊपर वाइट स्टार बने हुए थे। और जी आज मेरा फुल मूड था तैयार होने का। पैम्परिंग डे यू नो ऑफ था, मॉर्निंग में भी ऑफ था एंड इवनिंग में भी ऑफ था। आज मैं सारा दिन फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को सिखाया जाए। ओके जी, नाउ लेट्स गो। चलें जी आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करूँगी। मुझे ये बताएं सबकी लाइफ कैसी चल रही है, कमेंट डाउन करें, आई विल पिन योर कमेंट। मुझे कमेंट से मुझसे बातें किया करें, मुझे अच्छा लगता है गाइस, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। भले मेरे पास थोड़े कमेंट होते हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों के होते हैं और वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, यू नो रियली लव। ओके, नाउ टाइम टू ट्रांसफॉर्म। मैं इस वक्त अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर चुकी हूँ और लास्ट मेरी वीडियो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेटनिंग करना आप लोगों को सिखाया है। नाउ मैं कैचर हमेशा यहाँ पर लगा के भूल जाती हूँ। ओके जी, नाउ आई विल पिक फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउन कलर, क्योंकि मैंने अपना बेस ऑलरेडी बना लिया था, कॉन्ट्रोरिंग भी कर ली थी। और बेस तो खैर नहीं, मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है एंड हल्का हल्का सा यू नो टचअप, बिकॉज जीन्स और शर्ट पे हम लोग ओवर मेकअप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर पहले अपनी कंप्लीट लिड लाइन को गोल्डन कलर से कवर कर रही हूँ, क्योंकि गोल्डन कलर के ऊपर जो कलर अप्लाई होते हैं वो बहुत फ्लफ़ी भी होते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। नाउ आई विल मेक द ब्लैक कॉर्नर। मैंने सबसे पहले ब्लैक कॉर्नर इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं लिड लाइन पर कवर कर देती, अपने नॉर्मल जो कलर मैंने चूज़ किया है, आज की शर्ट मेरी ग्रे है तो यू नो ग्रे एंड ब्लैक मेकअप होने लगा है। सबसे पहले मैंने ब्लैक कॉर्नर इसलिए किए ताकि ग्रे कलर मेरा दब ना जाए, ऐसा ना हो कि वो नज़र ना आए। इसलिए मैं पहले ब्लैक कलर को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नॉट अ ग्रे कलर, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रे हाईलाइटर एंड मैं एप्लीकेटर से अप्लाई करने लगी हूँ अपनी लिड लाइन पे। कॉर्नर मैंने ब्लैक करके बहुत अच्छी तरह ब्लेंड की है। ब्लेंडिंग मैंने बहुत टाइम की है लेकिन कैमरे पे बहुत कम दिखाई है। आप लोग भी काफ़ी देर तक ब्लेंडिंग करिएगा। नाउ मैं अपनी लिड लाइन बनाऊँगी बहुत ही खूबसूरत सी यू नो ग्रे कलर से। ब्लैक कॉर्नर हमने कर दिया था, ग्रे लिड लाइन अभी हम बना रहे हैं। जब भी आप ब्लैक कॉर्नर करें पहले कर लें, नहीं तो फिर मिक्सिंग और मर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी एप्लीकेटर के बैक साइड पे ब्लैक कलर भी लगा हुआ था तो मैंने ब्लैक एंड ग्रे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स एंड मर्च किया, बिकॉज ब्लेंडिंग से ही हमारी आईज़ का कलर खूबसूरत लगता है। यू जस्ट सी दिस इज़ ब्लैक एंड ग्रे कलर। नाउ आई विल पिक ग्लिटर। ग्लिटर कलर कोई सा भी मैं लगा सकती थी लेकिन मैंने अपनी ग्रे शेड के हिसाब से हल्का सा ग्रे कलर उठाया जो कि शिमर है। नाउ आई विल टच इट बहुत पोलाइटली एंड बहुत सॉफ्टली। ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा टच देना है। ज़्यादा हम लगाएंगे तो बहुत ओवर लगेंगे। एक बार फिर कह रही हूँ जीन्स एंड शर्ट पर जब भी मेकअप करें बहुत लाइट सा करें। ओके, मैंने इसको फिंगर से भी अपने अच्छी तरह से मिक्स किया है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर उठा रही हूँ पिंक एंड ब्राउन कलर मिक्स करके। पिंक एंड ब्राउन दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करके अपनी आईब्रो बोन पे अप्लाई कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम आईब्रो के ऊपर हमेशा आईब्रो लाइन के ऊपर हमेशा जो है वो हाइलाइटर ही इस्तेमाल करें,
हम कोई और कलर भी इस्तेमाल करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। Now I will apply my liner which is chocolatey flavor. जैसे ही मैं अपना liner खोलती हूँ पूरे room में chocolate की हो जाती है because AC इसकी smell जल्दी से पकड़ लेता है. Chocolatey my liner, my lovely liner. You know I'm a really fond of makeup and preparing. That's why when I get ready, so I share with my all videos with you guys. ओके जी, मैं इसको ड्राई कर रही थी विद द माय आई पैलेट. ओके नाउ आई विल यूज़ जे डॉट मस्कारा विच इज़ सो अमेजिंग एंड अडोरेबल. मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैंने शॉपिंग की थी, मेकअप बाय किया था फ्रॉम जे डॉट नोट से. मस्कारा लगाने का वही तरीका है, पहले हम नीचे की तरफ लगाएंगे फिर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे. नाउ डन, वन आईज हैज बीन डन. एक आईज मैं अपनी डन कर चुकी हूँ. नाउ सेकेंड आईज रहती है जो कि मैं ऑफलाइन कैमरा करूँगी. फर्स्ट मैंने आपको सिखा दी है ऑनलाइन कैमरा, नाउ ऑफलाइन कैमरा मैं इसको अप्लाई करके जल्दी से आती हूँ. डन, ब्लैक कॉर्नर, ग्रे हाइलाइटर एंड बेबी पिंक आई ब्रो बॉन. ओके नाउ मैं डस्ट ऑफ करूँगी, जितना भी मेकअप मेरे फेस पे गिर गया है उसको मैं डस्ट ऑफ करूँगी, एक तरह से फिनिशिंग करूँगी. Done. I was so smiling when I got ready. I got so smiling on my face. Okay, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक से पिंक ब्लश बिकॉज और फिर मैं इसको फिंगर से ही मेल्ट करूँगी. आप लोग मेरी मेकअप की टेक्निक एंड टिप्स देख के हंसते होंगे ना कि दैट आई डू मेकअप वेरी फनी वे, बिकॉज जो टेंट है ना वो बहुत गंदी तरह से मेरे फेस पे फैल जाता है. टेंट को यूज़ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो शॉर्ट में मैंने ये निकाला है कि लिपस्टिक लें और उससे आप अप्लाई कर दें अपने पूरे फेस पे मेट लिपस्टिक. नाउ आई विल अप्लाई ऑन माय चिक बोन हाइलाइटर विच इज़ ग्रे हाइलाइटर विच आई ऑलरेडी यूज़ ऑन माय आई लिड लाइन. ये वही वाला हाइलाइटर है जो मैंने अपने आई लाइन पे आई लिड लाइन पे अप्लाई किया था. यू जस्ट सी अमेजिंग हाइलाइटर. डन, सी दिस. ओके नाउ टाइम टू फ्रेश माई हेयर. ग्रे शर्ट, ब्लैक जीन्स एंड ग्रे शर्ट पे वाइट स्टार्स. तो मुझे यही मेकअप पोलाइट सा करना अच्छा लगा. ग्रे मैंने इसके लेड लाइन की और कॉर्नर मैंने आइस के किए ब्लैक. ब्लैक जीन्स हो गई एंड ग्रे जो है वो शर्ट हो गई. बहुत खूबसूरत लुक आया था ये और मैं तैयार शैयार होके शशके वशके घर में मार के अच्छी तरह से फ्रेश फ्रेश होकर बाहर गई थी फॉर डिनर. यू जस्ट सी. अच्छा, मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए बिकॉज आई एम ऑन माय वेट लूज जर्नी. यू जस्ट सी द रिज़ल्ट ऑफ माय मेकअप, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम लाइट पोलाइट सा. कोई भी नहीं कह सकता कि ये ओवर मेकअप है या जीन्स और शर्ट पे ना किया जाए. टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.